हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं ना अपनी मम्मी को रोकता हूँ मौसमी मैम, रोज ये किचन में जाके आइसक्रीम खाती है, फिर वो हमारा जो घर के है ना कुक, उनसे लड़ती है, बोलती मेरे बेटे का घर है, तू क्यों नहीं देता मेरे को आइसक्रीम। मैं पीछे चला गया तो लड़ रही थी, आज देखो आज मैम क्या बोल रही है। खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करना है, कभी कभी दिल करता है। नहीं कभी कभी नहीं, बुरा खा के बचना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत खाओ, बहुत लंबे देर तक खाओ। हाँ, थोड़ा में थोड़ा थोड़ा खाओ, खाओ रोज खाओ। ऐसे लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग बैड है, क्यों बैड है? क्योंकि हमें हैबिट हो जाता है ज्यादा करने की। अभी विस्की या वाइन लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खाने के पहले एक पी लो। अब एक थोड़ी पियेंगे, चार लगाने के बाद बोलेगा पचवा लगा यार। तो हम कोई हर चीज हम लिमिट के अंदर कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर करते हैं शादी के बाद, मैं आपके तरफ देख रहा हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने बीवी को और फिर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं जाता है बंदा। नहीं नहीं करते हैं, कोई कोई वाइफ तो लास्ट पर्सन होते हैं, उनको मालूम पड़ता है। ऑलवेज मोस्टली सी अर्चना हैज गॉन थ्रू मोस्टली। अच्छा हमने ना मौसमी जी के बारे में एक बात सुनी है कि ये जो भी फिल्म छोड़ती थी ना, जो करती थी वो तो हिट हो ही रही है, जो छोड़ भी देती थी वो भी हिट हो जाती थी। बड़े सारे नाम है जैसे बॉबी, मिली, कोशिश, और भी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपके पास आके कहा कि मेरी फिल्म एक बार हाँ करके मना कर दो ताकि हिट तो हो ही जाए? तभी तो आप जन्म नहीं लिया होगा ना। हाँ। नहीं तो आप जरूर आ जाते। मैम आपने इतना नाम बनाया मौसमी जी ने फिल्मों में, लेकिन इनके बारे में ये सुना है कि ये फिल्में करना नहीं चाहती थी। हाँ। डेब्यू बंगला फिल्म जो कर रही थी, दो बार आप सेट से भाग भी गई थी। क्या क्या? वो तो शुरू का पिक्चर था बालिका वधू। हाँ। पहला दिन मुझे इतना भाव मिला है, एवरीबॉडी वाज वेरी डिस्टिंग, आई वाज वेरी हैप्पी, आई थॉट आई एम बिगेस्ट हीरोइन, यू नो। सेकंड डे मुझे ऐसा लगा ये क्या खेलने का कूदने का टाइम है, ये मेरे को चोटी बना के इधर पकड़ता है, कोई मुंह में लेपा पोती करता है। फिर वो बाल बनाते, फिर हम मुझे टीनेजर दिखाना था तो कपड़े ऐसे सिलाए थे रो, पेटीकोट ब्लाउज ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों पहना रहे हो, बोले शॉर्ट के लिए पहना रहे हो। अच्छा ठीक है, उन लोग अपने मस्त है, ऐसा करो वैसा करो। तो एक दिन मैं देखा इधर उधर स्टूडियो के बाहर ना चार नंबर बस का ये था, मैं तो ऐसा ही सच की नत वत लगा के सीधा साड़ी वाड़ी ऐसा पकड़ के बस के ऊपर उठ के चली गई। बाजू में कोई बैठा था, उसको मैं बोला चारा ना है क्या, खुदार औरत हूँ मैं बहुत खुदार हूँ। तो उसने बोला कि हाँ है, मैं बोला कॉन्डक्टर को दे दो ना यार, और बोला किधर जाएगी, तो मैं बोला वो भवानीपुर, क्योंकि मेरे बुआ जी बहुत बड़ा लॉयर थे, मतलब उनको जज बने, तो उनसे सब डरते थे। मैं बोला ये फिल्म वाले तो डरेंगे जरूर उससे तो उधर नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं बोला मैं भवानीपुर जाती हूँ। अभी वो भवानीपुर गया और वहाँ पे बस से तो बोला ओ गया, सारे बस लोग देख रहे थे कि अजीब एक मुँह लाल इधर ये सब लगा हुआ है, बनारसी साड़ी पहनी हुई। फिर मैं एक रिक्शा वाला को पकड़ा, वो जो हाथ से पकड़ के लेके जाते, वो घड़ी घड़ी खाली टान होके मुझे देख रहा है कि ये आजूबा कौन है, और मैं बोला यार एक्सीडेंट करेगा लेके चलो। तो मैं किधर, तो मैं बोला वो टफ रोड मेरे बड़े बड़ी बुआ जी के घर। फिर वहाँ जाके मैं रोना शुरू किया, उतने में मेरी बड़ी बुआ बोलता है जल्दी तेरे बाप को फोन करना है, सब लोग हैरान है, स्टूडियो से लापता हो गई हीरोइन। और आए दिन मेरे घर में खाली शादी के प्रस्ताव आता था, क्योंकि बालिका वधू के बाद सब लोग सोचा इसको वधू बनाऊं। और मैं तब से ख्वाब देखती थी वधू बनने की, बनने के बाद खप टूट गया। रीना जी एक बात आपके बारे में सुनी कहते कि आपकी मम्मी जो थी उन्होंने बैन लगा रखा था कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म आप नहीं देखेंगी, ये बात सच्ची है? मुझे वो बहुत पसंद थे। तो फिर क्यों नहीं फिल्में देखने देती थी आप? क्योंकि नहीं, क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक कर दी थी मैं स्कूल। माय गॉड। और वहां पर वो उनका घर था ना कार्टर रोड पे। हाँ। वहां खड़े होकर अपनी दो तीन सहेलियों के साथ कि कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से। राजेश खन्ना साहब का सुपर स्टारडम था। पर जब एक बार काम किया तो वो भूत उतर गया। रीना जी आप इतनी अच्छी डांसर है, तो आपके हिसाब से जो हीरोज आपके साथ जिन्होंने काम किया है उनमें से बेस्ट डांसर कौन था?
बोल दो, एक बोल दो, का बोल नाम लू, दो का लू, नहीं कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे उनको भी. बोल दो. आई थिंक सो कमल हसन वॉज वेरी नाइस व्हेन आई वर्क. यस, कमल हसन. And the worst answer? आज भी so I can take 2-3 name. Worst में I can take name of धर्म जी, because थोड़ा बेताला हो जाते थे. Mr. शत्रुघ्न सिन्हा भी थोड़ा हो जाते थे. I can take ये दो नाम में ले सकती हूँ. But कमल हासन was really very very good. Very nice. सबसे कंजूस हीरो कौन था? मेरे ख्याल से कोई पर्स लेकर नहीं चलता घर से. अच्छा. I know they must be you know going for shooting के जो producer दे दे लो. और मैंने तो अभी तक किसी हीरो को ऐसा नहीं देखा कि ओए आज. आप धर्म जी को जरूर देखा स्टाफ को बांटते हुए, फिर विनोद खन्ना को देखा, फिरोज खान को देखा, बाकी मैंने किसी माइके लाल को नहीं देखा सेट पे पैसे बांटते हुए. अच्छा आज ना मौसमी जी, हमने ना आज अपने आपके जितने भी फैंस यहाँ पे हैं, हम लोग ना हमेशा एक छोटा सा इंटरेक्शन करते हैं किसी ना किसी मुद्दे को लेके. आज जैसे जब आप फिल्मों में आई थी उस समय मोबाइल फोन होते नहीं थे. नहीं. आपका अगर शॉट हो रहा है उसके बाद कट हुआ, आप बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे? नहीं करते. आजकल वो नहीं करते. कभी तो अपने मेकअप रूम में जाके बैठते थे. तो हमने एक्चुअली आज का ये मुद्दा रखा है कि जब से मोबाइल फोन आए हैं आप घर परिवार में भी देख लो, आप एक दूसरे को फैमिली ग्रुप बन जाता है. मम्मी मैं वहां जा रहा हूँ, मम बाप ये मैसेज कर देता, आपस में बातचीत कम हो गई. आप लोगों के क्या विचार हैं कि क्या मोबाइल आने से जिंदगी बेहतर हुई है? बेहतर हुई है, कई मामलों में बहुत बेहतर भी हुई है, लेकिन उसके नुकसान फायदे जो भी आप कहना चाहें. जी मैडम. नमस्ते कपिल जी. नमस्ते जी. नमस्ते एवरीवन. मेरा नाम माधुरी लक्षकार है, मैं राजस्थान से हूँ. बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी आपका. जी सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं सर, ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आजकल मोबाइल छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े कोई भी देख लो, हर एज के लोग मोबाइल को यूज में लेते हैं. तो सर उससे क्या होता है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही है. सर ऐसा ही वाक्य हमारे घर में भी होता है, लेकिन हमने, मेरे हस्बैंड ने एक रूल बनाया हुआ है. अच्छा. मोबाइल को लेके कि जब मैं ऑफिस से आऊँगा उसके बाद हम एक घंटे का मोबाइल का व्रत रखेंगे, उस टाइम में हम कोई भी मोबाइल यूज में नहीं लेंगे. जी. तो बच्चे इनके आने के बाद में बच्चे बुक्स लेके बैठ जाते हैं, ये फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद में मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, हम साथ में कॉफ़ी पीते हैं और उस बीच में हम लोग आपस में बातें करते हैं. तो बातें करते करते ये बोलते हैं चलो तुम फ्री बैठी हो तो मेरे पैर दबा दो. तो मैं इनके पैर दबाने लगती हूँ. यस सर. तो पैर दबाते दबाते सर जो इनके पास भी मोबाइल नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं होता है. आपका हस्बैंड इधर है. अच्छा आप बीवी से पैर दबाते हो. लेकिन मैं मेरा क्वालिटी टाइम जो इनके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ और ये मोबाइल चला लेते हैं. ये क्वालिटी टाइम है पैर दबाना. अरे पिक्चर जाओ घूमो, ये रात ये चांद गाना सुनो, ये तो अच्छी बात है. मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बात पूरी सत्य नहीं है. जब ये हम साथ में बैठे होते हैं तो ये जब पैर दबा रही होती है, मेरे को जैसे बचपन से जब छोटा था तब से कमर में खुजली के, वो पसंद है पीठ पे खुजली करना. तो ये जब हम बैठे होते हैं, जब शादी नहीं हुई तो खुजली कैसे करवाते थे? मेरे छोटे भाई बहन है चार, उनसे करवाता था. तो जब ये हम बैठे होते हैं ऐसे चल रहा होता है तो फिर ये कुछ मायके की या कोई इधर उधर की बातें करने लग जाती है. उस बातों को कितनी देर तक सुने, तो उसमें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मोबाइल हाथ में आ जाता है. तो दबाना बंद करो ना यार, जब सुनता नहीं तो तुम भी कमा लो. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो पे आए, शुक्रिया. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो. हेलो एवरीवन. सर मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है, फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ. अच्छा जी, जाना है फटाफट जल्दी है कहीं. आराम से बोलिए, आराम से, अपने पास टाइम है. नाम प्रिंस गुप्ता है, फरीदाबाद से आए हैं जी. और जाना भी वही है कि कहीं और जाना है? फिलहाल तो बॉम्बे घूमने का प्लान है. बॉम्बे घूमने का प्लान है. अच्छा जी गुप्ता जी बोलिए. तो सर जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि मोबाइल आज के जमाने में सर मुसीबत तो बन चुके हैं, लेकिन सर हमारे जैसे सिंगल लड़कों के लिए वरदान है. कैसे कैसे वरदान है मतलब? सर कुछ ऐसा होता है, कुछ लड़कों की गर्लफ्रेंड समय से पहले बन जाती है. तो सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ. समय से पहले बन गई? सर एक एज हाँ. होती है 18 प्लस. हाँ. 18 प्लस में गर्लफ्रेंड क्यों? 15 में तो गर्लफ्रेंड होता है. नहीं सर. नहीं ये तो बनाई गवर्नमेंट ने कि 18 साल बालिग हो जाता है. कुदरत के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है ना. यस. तो आप मतलब आपकी गर्लफ्रेंड 18 साल से पहले बन गई है ऐसे? सर मेरी 13 की एज में बन गई थी. वो बन गई थी कि आप थोड़े डीट हैं? 13 साल. अच्छा जी बताइए बताइए. बहुत ही अमूल्य योगदान दे रहे हैं आप.
समाज को। जी जी अच्छा फिर तो सर उस टाइम पे लैंडलाइन फोन होता था। हाँ। तो सर एक लैंडलाइन फोन और घर के 5 सदस्य, बहुत नाइंसाफी होती थी। हाँ। तो सर बिल्कुल प्रूफ प्लानिंग करनी पड़ती थी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए कि कब पापा बाहर जाएंगे, कब मम्मी सब्जी लेने जाएंगी, और छोटे भाई को तो मैं पैसे दे के बाहर भेज दिया करता था, तब बात होती थी। लेकिन आजकल जो मोबाइल आ गए हैं, हम अगर बाहर डेट भी कर रहे हैं पापा का फोन आ गया कहाँ पे, के कॉलेज में हूँ। अच्छा। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है, और सर इसके बहुत नुकसान भी हैं। जैसे आजकल गुड मॉर्निंग विशेष का ट्रेंड चल रहा है। हाँ। भगवान के इमोजीज और वो फूल पौधों के जो सुबह सुबह भेज देते हैं, उठता कोई नहीं है, वर्सिंग पहले पहुंच जाती है। हाँ। सर जो भेज देता उसका तो ठीक है, जिसको आता है भेजना, जिसको नहीं आता उसका क्या। जैसे कि मेरे पापा, वो खुद तो भेजेंगे नहीं, 5:19 में मुझे उठाएंगे, जा मेरी मौसी को जा मैसेज भेज दे। आपकी मौसी को आपके पापा भेजते हैं। आप इसका पूरा खानदान सही जा रहा है। बाप जो है साली को भेजता है, क्यों नहीं भेजे? ठीक है, आप 18 साल के पहले प्रेम करते हो, आपके बाप साली को भेजते हैं, उसके बाद क्या होता है, मोबाइल और क्या क्या काम में आते हैं। मैं तो पापा तो सो जाते, उनकी तो गुड नाइट हो जाती है, दोबारा मेरी गुड मॉर्निंग बेकार हो जाती है। तो अच्छा ये है ना, 13 साल की उम्र में आपकी गर्लफ्रेंड बनी, ये सारे जीन्स पिताजी से ही आए ना, जो आप बच्चों के बाद भी नहीं हट रहे हैं। वाह, बहुत मजेदार फैमिली है, मजेदार फैमिली है। शुक्रिया गुप्ता जी, धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए मौसमी जी, आइए रीना जी। दोस्तों अगर दिल से मजा आया तो दिल से तालियां होनी चाहिए आज। ओह, ये नहीं होता तो ये शो नहीं। अरे मौसमी जी, आज आपने ना, हमने बहुत सारे शोज किए हैं, बड़े सालों से कर रहे हैं। अर्चना जी को इधर बुलाना चाहता हूं। आगे आगे, आगे, आगे। पर आज की शाम ना मेमोरेबल, यादगार बना दिया आपने, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब आप लोगों का प्यार ही है और कुछ नहीं। थैंक यू मौसमी जी, और थैंक यू रीना जी, आप लोग आए। एक्चुअली ये एपिसोड सालों तक याद रहेगा लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी। थैंक यू। ये वाला आपका जो टैलेंट है ये हमें पता नहीं था। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.